મહારાષ્ટ્રના દેવનાર બકરા મંડી ખાતે બકરા ઈદના પર્વ નિમિત્તે રાજસ્થાની ટ્રકોમાં બકરા ભરી જવા નીકળેલ ટ્રકોને મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા પ્રવેશ કરવાની પરવાનગી નહીં આપતા ટ્રકોને ભિલાડ ચેકપોસ્ટ પર જ અટકાવવામાં આવી હતી, જેને લઈને ટ્રકોમાં રહેલા બકરાઓના મોત નીપજ્યા હતા. જો કે રાજસ્થાની બકરાના માલિકો મહારાષ્ટ્ર નહીં જઈ શકતા. બકરાના માલિકો વાપીમાં ખોટ ખાઈને બકરા વેચવા મજબૂર બન્યા છે. રાજસ્થાનથી 32 જેટલી ટ્રકોના બકરા ભરીને મહારાષ્ટ્રના દેવનાર મંડીમાં જવા નીકળેલા રાજસ્થાની વેપારીઓના બકરા ભરેલી ટ્રકોને મહારાષ્ટ્ર સરકારે પ્રવેશવાની પરવાનગી નહીં આપતા બકરાના વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. અને આવી કફોડી પરિસ્થિતિમાં બકરાના માલિકો હજારો રૂપિયાની ખોટ ખાઈને વાપીમાં સસ્તા ભાવે બકરા વેચવા માટે મજબૂર બન્યા છે. સદ્દામ હુસેન હૈ, હમ જયપુર સે એક ગાડી લેકે આયે, મે 110 જાનવર થે, હમકો રાજસ્થાન બોર્ડર સે ગુજરાત બોર્ડર પાર કર લીએ, મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર પે સે હમકો રિટર્ન યહાં પર વાપી કરકે ત્રાસી કરકે જો ગાંવ હૈ ઉસમે હમ લોગ રિટર્ન આયે ઓર યહાં પે બકરે બેચ રહે. હમારે ગાડી કમ સે કમ 30-32 ગાડી એક પેટ્રોલ પંપ સે, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ હૈ બોર્ડર કે ઉપર, ઉધર હમારી ગાડીઓ કો રોકા ગયા. हमारे जानवर जब माल लेके निकले हम लोग, तो कम से कम 28-30 घंटे जानवर हमारा भूखा प्यासा वहाँ पे खड़ा रहा, और गांव से 28-30 घंटा हमारे को लगता है. उसके बाद में जब हम लोग यहाँ रुके तो 24 घंटा गाड़ी एक सरी का एक जगह पे खड़ा रहा. वापी में शाम में 7 बजे के आसपास बारिश हुआ. जानवर बारिश के अंदर जो जाली होता है ट्रक का, उसके अंदर से जो जीप निकाल के पानी पिराए, तो हमारे बच्चे जैसे हम इनको पालते हैं, और उनको पानी नसीब नहीं है. हमने गली न्यूज़ में भी इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ. अब ये हाल है कि बहुत बहुत मेहरबानी है कि यहाँ पर हम लोग आए और ये ब्याज बट्टे से पैसा लेके सेटलमेंट करके, 4 महीने से जो लॉकडाउन था तो हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, ट्रक का भाड़ा ये वो सब सेटलमेंट किए, नहीं तो हम तो पूरे लुट जाते थे. यहाँ आके भाईजान का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की, खाने से लेके सोने से लेके पूरी फैसिलिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी. हम इनको खाने के लिए शाम में बोलते हैं तो शाम में हमें जो टाइम टेबल से जो फ़ोन कर दें तो खाना हमारे को देके जाते. अल्लाह का लाख लाख एहसान है. ये जगह पर हमको इतना खुशी हुई कि इंशाल्लाह हम लोग बम्बई जाने की जगह हम लोग यहीं पर ही आएंगे. अरे खास करके यहाँ पर अभी ये जो बकरे का भाव चल रहा है वो मार्केट के हिसाब से कितना चल रहा है और इसमें घाटा है कितना है? देखो, हम लोग वहाँ से जो लेके आए थे तो हमारा 30-30, 20-20, 25-25 हज़ार का जानवर है, और यहाँ जब आए तो किलो के हिसाब से बिक रहा है. अब यहाँ पे क्या है, जितनी गाड़ियाँ जो रुकी हुई है वो सब गाड़ी यहाँ की यहीं खड़ी है. तो जो भी आदमी लोग है जो अपना खर्चा निकालने के लिए जो कर्जा लेके आया, जो ब्याज से लेके आया है, जो खुद के पास था, तो वो क्या देगा, खुद के पास का तो जो पैसा लगा है तो वो जानवर अपना रिटर्न ले जाएगा. पर जो मार्केट से पैसा उठाया उसको तो सस्ते मध्य में माल को बेच के उसको पैसा निकालना पड़ेगा. फिलहाल आप में घाटा चल रहा है ऐसा कह सकते हैं? अभी तो 2-2.5 लाख रुपए हम लोग का घाटा है, और अभी 30-35 जानवर रुका हुआ है. दो दिन से हम लोग जो माल बेचे थे, 100 जानवर थे मेरे पास, 100-102 जानवर थे, उसमें से 30-35 जानवर अभी है. तो अभी कुछ सुबह से कुछ रिप्लाई नहीं है, और 30-35 जानवर कम से कम 8-9 लाख रुपए का माल है, वो नहीं बिका तो कहानी खत्म है अपनी. घाटा ही घाटा है पूरा. एक जानवर के कितने से कितने तक में अंदाजित बिकता है? 10 हज़ार का जानवर से लेके 30 हज़ार तक का जानवर है अपने पास.